खड़े तो मैं भाई टाइम क्या है भाई अर्पित और ये मैच स्टार्ट होता हुआ पनियाला वर्सेस रामपुर के बीच तो बता रहा पीछे कहां यही तो सर्कल है बोलर का नाम क्या है भाई अर्पित बॉल करते हुए और नो स्ट्राइक पर है शोएब मलिक के कंधों पर ये जिम्मेदारी लेफ्टी दी है रामपुर के खेमे ने नॉन स्ट्राइक पर आए हैं खुर्शीद साइड बताते हुए खुर्शीद रामपुर कम बैक करती हुई जिम्मेदार अंकल बहुत ही शानदार प्लेसमेंट शोएब के द्वारा पहली गेंद चौसठ रनों के और बड़ा हिट मारते हुए शोएब और ये बहुत शानदार फोर रन शोएब के बल्ले से और इधर कामरान भाई चिल्लाते हुए कैच था ये रहे कामरान भाई के इस दौर में चार रन जी जी अभी आए हैं दे रहे उठा के दे रहे खुर्शीद भाई दे रहे हैं कैसी बात कर रहे अरे ला के देंगे तब दूसरी और क्या बात कर रहे खत्म होगी चाहिए दुकान को तो ला के देंगे पैसे उसे तब दे दियो ठीक है भाई जूम कर दिया है भाई 64 रन का टारगेट है पनियाले का बहुत ही शानदार छक्का और बहुत ही शानदार जितना भी तारीफ किया जाए वो ही कम है अर्पित की दूसरी ही तीसरी ही गेंद पर 6 रन मुन्ना ना बहुत ही शानदार बॉल काफी बेहतरीन गेंद भैया वो चाय पी रहे हैं पहले वाले कैमरामैन चौसठ रन का लक्ष्य दिया है पनियाले ने और उसका पीछा कर रहे हैं रामपुर वाले और अभी तक रामपुर दो बड़ी हिट लगी है शोएब के बल्ले से बहुत ही शानदार बॉल जितनी भी तारीफ की जाए एक ओवर की समाप्ति के बाद दस रन हुए हैं एक ओवर में 10 रन अब आए हैं स्ट्राइक पर खुर्शीद जो कि रामपुर के कप्तान हैं कामरान ने तो बहुत ही ज्यादा अपने प्लेयरों को समझाते हुए कामरान भाई के आज जो है कमर में दर्द है चन का आ रखा है बॉलिंग का भार संभालेंगे नवीन और स्ट्राइक पर है खुर्शीद कप्तान रामपुर नहीं भाई सचिन मलिक भैया नहीं आए यहाँ पे उनकी टीम नहीं आई है वे अधिकतर बाहर ही खेलते हैं बहुत ही शानदार बॉल बिल्कुल डायरेक्ट लगी है गेंद डायरेक्ट छोटे डायरेक्ट अरे भारी यार सांस फूल की थी अंपायर का इशारा आउट डायरेक्ट ये गेंद लगी है अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी तुरंत सजरे ने दूर से देखा आउट
पनियाले वालों को भी खुश होने के लिए कुछ देर और संयम रखना होगा। अगर आप फाइटिंग करना चाहते हैं तो 3-4 विकेट चाहिए आपको। और उनकी बॉल डायरेक्ट लगी है और वो आउट हो चुके हैं शोएब, दो हिट लगाकर। बहुत ही अच्छा थ्रो मारा है बिल्ली ने, बहुत ही शानदार थ्रो और रन आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाजी पर आए हैं शादाब। शादाब बहुत ही अच्छा खेल रहे थे शोएब। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। और दूसरी ही गेंद पर बीट हो चुके हैं। चलिए अच्छी बात है, काफी बेहतरीन। एक रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पर हैं शादाब, जो कि रामपुर बी के बहुत ही होनहार बल्लेबाज थे। अब ए में उनकी मांग आई है। शानदार बॉल करा रहे हैं पनियाले की तरफ से नवीन। 64 रन का लक्ष्य है यहाँ पर, 63 रन बनाने हैं। रामपुर और पनियाला, रामपुर और पनियाले की बीच ये मैच हो रहा है, जिसमें पनियाले ने जिसमें पनियाले ने 64 रन का लक्ष्य रखा है रामपुर के सामने, खुर्शीद की टीम के सामने। पनियाले की फर्स्ट बैटिंग थी और अब सेकंड बैटिंग चल रही है भाई मोहम्मद शाकिब। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव फॉर रन के लिए, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार चौका शादाब के बल्ले से। ओवर की समाप्ति पर 2 ओवर में 16 रन। जी आप कुछ भी कह सकते हैं, रामपुशी वर्सेस पनियाला कह सकते हैं, लेकिन इसमें रामपुर के दिग्गज खेल रहे हैं, जिसमें हमारे शिब्बू बेस्ट ऑफ उत्तराखंड बॉलर आज इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, बेस्ट ऑफ टोला ऑलराउंडर बेस्ट ऑफ सुनील माठा, बेहतरीन बल्लेबाज टीटू, जो कि इन 4 मैचों में नहीं, इन 4 प्लेयर इस रामपुर में नहीं खेल रहे हैं आज, वो किसी कारण बाहर का दौरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले मैच में बताया जा रहा है कि वे जरूर आएंगे। अभी तो सुए ब्लैक टी आउट हुए हैं, रन आउट भाई सैफ भाई। इसमें रामपुर में या वर्सेज पनियाले में, पनियाले में कामरान भाई खेल रहे हैं और कामरान भाई की पूरी टीम खेल रही है, और रामपुर में नूरा है, मामून है, शादाब, खुर्शीद, सुएब, मोनू, नावेद, इसरार, ये सब खेल रहे हैं। जी जी कामरान भाई को चोट लगी हुई है कमर में, चनका रखा है। बहुत ही शानदार 4 रन खुर्शीद के बल्ले से, बहुत ही शानदार, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। शावेद जी आप क्या कह रहे हैं, आपकी बात हम समझ नहीं पाए, उसके लिए शोरी। कामरान अगर ठीक होता तो वाकई वो एक अच्छा प्लेयर है। और बहुत ही शानदार और देखना होगा
अभी भी 2-4 रन मार चुके हैं, 2-4 रन। नावेद कर रहे हैं, नावेद एक बार फिर वाइड गेंद। कामरान भाई को चोट लगी हुई है, कामरान भाई हमारे, कामरान भाई हाय, कामरान, कामरान भाई पैर आ रहा है, आ जा तू। बहुत ही शानदार खुर्शीद के बल्ले से, और बहुत ही शानदार, जितना भी लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का मारा है खुर्शीद ने। परियाला बैक फुट पर धकेल दिया है रामपुर ने, अभी तो चाचा जी मौजूद है क्रीज पर, ये तो वो काम हो गया। पिछले दो मैचों में फ्लॉप रहे थे बिल्कुल खुर्शीद। अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया है, पता नहीं यार खुर्शीद पिछले गेम पिछले मैचों में क्यों नहीं खिलाया रामपुर ने इन्हें। कामरान ये तो ना पिछली बार तो पिछले जब ए टीम खेल रही थी यहाँ पर परसों, इनका 16 में भी नाम नहीं था, और रामपुर को सोचना चाहिए क्यों नहीं था। इतना बड़ा बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर इतना बढ़िया छक्का मार सकता है आपका, पता नहीं क्यों दूर रखा गया था रामपुर की टीम में। दूरे को चिंतन करना चाहिए, आज घर जाके सोचना होगा, इस बल्लेबाज को तो खिलाना होगा और ओपनिंग ही करानी होगी, और ऐसे ही करना होगा इसको। सेवन स्टार के खिलाड़ी मुजम्मिल मौजूद है, मैच को पूरा देख कर जाएंगे। हाँ। भाई नाइट मैच है, जा गए हैं जो भी जागा, सब नोटिस घर जाकर लिखा जा रहा। वाइड गेंद, एमसीसी जीत तो यहाँ सारे मैच, क्या दिक्कत है, जाओ पर सेमीफाइनल क्या फाइनल में खिलाओगे हम। एलटीएस बॉल को यहाँ पर और फील्डर मौजूद है, बहुत ही शानदार। तीन में 34 है भाई, तीन ओवर में 34 रन हो गए हैं रामपुर के। कोई बात नहीं, कल को तीन में मिलेंगे। भाई रामपुर में कल को कामरान तीन में जरूर आना उधर एडे वाले ग्राउंड पे, ठीक है बहुत मजा आ रहा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, बहुत ही अच्छा बोल्ड मारा है, बहुत ही अच्छा बोल्ड मारा है सन। हाँ हाँ, खुर्शीद भाई आउट हो चुके हैं, अब आए हैं मुखिया, अब मुखिया जी आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं मुखिया जी अपनी टीम के लिए। मुखिया आए हैं, भैया मलिक नहीं खेल रहे हैं, मलिक की टीम नहीं खेल रही है। मुखिया जी 34 रन हो चुके हैं, खुर्शीद भाई की कमर
मैं जवाब देती हुई छिड़का तो कामरान का रहा, दर्द तेरे हो रहा क्या चक्कर है? चलिए अब ये बात तो रामपुर को मैं कह रहा था, चिंतन करना होगा, ऐसा बल्लेबाज को आप नहीं खिलाते, ये टीम में क्यों नहीं खिलाते? बहुत ही शानदार खेल गया है। में भी रन का लक्ष्य हम देख रहे थे, सुपर 16 की जो टीम थी उसमें भी खुर्शीद का नाम नहीं था और आज ओपनिंग में आए, बढ़िया खेले यार। राजे को सिप्पू को सोचना चाहिए कुछ इनके बारे में। जी 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 इशरार आएगा 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 अभी इशरार आएगा, छोटे से अंपायर का इशारा वाइड के कौन है भाई शाहिद अभी जादीर के नबील होगी वादार देख लो भाई, देख लो बात कर लो क्या बात है। वहां पर बहुत संतुष्ट नजर आ रहे थे, बहुत ही तगड़ी अपील करी, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही शानदार अपील कामरान भाई कीपिंग करते हुए। लो 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 लो। अरे खुर्शीद भाई को चाय पिलाओ यार, वो तो खुद जा रहे पीने, बुक कर रखी उन्होंने बिस्लरी भी वहां, काफी बेहतरीन शॉट मुखिया फिर खुश हो रहा, क्या बात होगा का काम काम होगा। हेलो क्या होगा? नहीं बस काम ही तो कह रहा हूँ, क्या बात थोड़ी देर में कर दूँ बैठिंग करने के चौसठ बने भाई, 65 बनाने हैं रामपुर को और 40 के लगभग हो चुके हैं रन और ये भी बहुत ही शानदार खेल दिया फिर से पकड़ी खबर की समाप्ति। साधा 4 में 39 चार ओवर में 39 रन है भैया। दूसरी वाली बॉल उनतालीस रन हो चुके हैं रामपुर के, चार ओवर में 39 रन। अब आए हैं राहुल जी। जी भैया शायद बड़ा अच्छा खेल रही है, दोनों ही टीमें ठीक खेल रही हैं, 65 रन का लक्ष्य कुल है और क्या फीलिंग है। राहुल किरण इंतजार करती हुई, थैंक यू आहद भाई, बहुत ही शानदार प्लेस। बढ़िया चलता हुआ विकेट भैया, अभी तक तो दो ही विकेट हुए हैं शोएब लेफ्टी और खुर्शीद। पक्का नहीं जा रहा है, इंजर्ड है थोड़ा सा। थैंक यू भैया। आ जा
चार रन, शानदार चार लेग पाई के चार, चार रन। क्या बताना है भाई, ओए बहुत ही शानदार फ्लिक, शाबा बहुत ही शानदार शादाब के बल्ले से, बहुत ही शानदार फ्लिक। गुन्ना गुन्ना इधर दे दे, फरीद पकड़ दे, कामरान भाई के पास जा खड़ा हुई है, मगर इनसे बोल कर जा, कितने बड़े हमारे अंपायर है सरसावा का मैच, कभी भैया ये मैच के अपडेट का नहीं पता है, लेकिन आज रात को ग्रुप में डल जाएगा। चलिए पारी की समाप्ति, लकी आउट भी होगा, चला भी गया मामू, गोपी डाल अब आए हमारे जाने माने प्लेयर सोनू, सोनू रामपुर के एक्सपॉन्सर हैं, जो कि हरियाणा पंजाब करनाल सारी जगह अपनी टीम को खिलाते हैं, टिंकू भाई रिंग रूहाने वाली की टीम को भी खिलाते हैं और रामपुर की टीम को भी खिलाते हैं। आज उनका रामपुर की टीम में फिरोज आए हैं, कितने रन मुखिया के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ, अब आएंगे शायद बाबुल, स्ट्राइक पर खड़े नावे देखे मुखिया सोनू, अच्छा ठीक है, अब स्ट्राइक पर आए हैं मामून, ओके भाई कान फूट गए क्या, मुखिया को 46 रन पर 100 खिलाऊ में, ठीक है भाई और ये छे जी कलियर जीत गई आज, ननेड़े से जीत गई, 90 रन का लक्ष्य था वो, बहुत अच्छा मैच जीती है कलियर, ये 9 बॉल थी और फिर हिट मिलेगी, ओ फिर 9 हो गई, खेल दिया वहां फील्डर मौजूद मामूल ने, जी हो गया कलियर का मैच हो गया, जीत गई
फर्स्ट मैच उन्हीं का था। मैं बिल्ली कहाँ लगी हाँ जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी भाई। आपको लगी और यहाँ पर रनर बजा मामून 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 ओ मामून ले 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 रामपुर और पनियाला वो सोनू या पकड़ चल यार छह मार चल मामू जी गया थैंक यू भाई एक छक्का मारा है कामरान के पीठ में दर्द है चनका रखा है चारों चारों और बता दो एक छक्का मारा है 62 रन हो चुके हैं 62 ये बोल चली मैंने भी सबसे ज्यादा था प्रॉब्लम मेरा स्कोर कितना हुआ भाई 62 रन हो गए भाई 4 रन चाहिए 3 रन या 4 ओके भाई ग्रीन बॉल अरे क्या मैच है बजाने वाला है क्या भी भाई अरे कहाँ जा रहे तुम नहीं खेल लेगा एक बार ही तो मेरा थोड़ा चल भाई रामपुर ने मैच जीत लिया है कोई बात नहीं भाई बढ़िया मैच हुआ कोई दिक्कत नहीं।